और ये भाई डॉलर देखो, 500 के अलग, 10,000 के अलग, 5,000 के अलग, और देखो इनके नीचे ना दिख रही है मैग्नेट। हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको मेरी साइड से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज दूसरा रोज़ा है और भाई मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है मुरादाबाद में। दो दिन से बहुत बारिश हो रही है, रात में सैरी के टाइम पर हो रही है। तो अभी मतलब ठंड लग रही है रात को बहुत ज़्यादा। अभी धूप निकल रही थी तो मैं ऊपर आकर बैठा हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी देखो थोड़े थोड़े बादल दिख रहे होंगे तुम लोगों को और थोड़ी हल्की हल्की धूप निकल रही है। सो बहुत अच्छा रोजे जा रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। आई होप रमज़ान में, पूरे रमज़ान में ऐसी मौसम रहे, दुआ तो यही है, बाकी देखते हैं। तो फिलहाल पहला वाला स्टोर जब साफ़ किया था मैंने तो उसमें से निकला था कैरम। अब मैंने दूसरा स्टोर साफ़ किया था 3-4 दिन पहले तो उसमें से मुझे निकल गया है 2 गेम। वो 2 साल पहले मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो वो निकल कर आए हैं। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ वो कौन से गेम है 2 निकल कर जो आए हैं, और उसमें मैं बताऊँगा भी कि वो कैसे खेलते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा तुम लोगों को इस व्लॉग में, चल के दिखाता हूँ अभी नीचे। फिलहाल तो तुम ये मौसम एंजॉय करो। लग रहा आज भी बारिश होगी रात में, बादल तो यही कह रहे हैं भाई, देखने से वैसे लग रहा। वाईफाई नीचे आ गया और ये देखो ये हैं वो दोनों गेम, मैग्नेटिक चेस और इंटरनेशनल बिजनेस। और ये देखो धूल दिख रही है, अभी तक ऐसे ही थे, 2 साल से ऐसे रखे थे स्टोर में, आज फाइनली हाथ लग ही गए। दिखाता हूँ तुम लोगों को खोल के इसके अंदर क्या क्या है। और बहुत से लोगों ने तो खेला भी होगा इंटरनेशनल बिजनेस, जिसने खेला वो कमेंट में बताया मुझे। और इसका मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा तुम लोगों को कैसे खेला जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है ना कैसे खेलते हैं। इसकी रूल बुक आती है एक, उसमें सब कुछ लिखा है। बहुत अलग अलग मतलब इसके वेज हैं खेलने के। रुको मैं दिखाता हूँ तुमको इसको ओपन करके। ये देखो इसका एक ऐसा बोर्ड आता है, बोर्ड को अभी रखते हैं साइड में, अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ तुम लोगों को जल्दी जल्दी। ये कह रहा था मैं इसकी बुक, इस बुक की बात कर रहा था। देखो सब कुछ लिखा है इसमें, ऐसे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बहुत इजी है। इसको भी रखो साइड में। और ये देखो ये है मेन चीज़, डाइस हैं इसके अंदर और छोटे छोटे घर हैं इसमें। और ये अपना वो है प्लेयर का स्मॉल वाला स्टैचू जो होता है, इसको रखो साइड में। और ये भाई डॉलर देखो, 500 के अलग, 10,000 के अलग, 5,000 के अलग और 50 के अलग हैं, 100 के अलग हैं। भाई डॉलर भी हैं इसमें। बहुत ही पसंद है मुझे गेम भाई, ये गेम ना चलता ही रहता है बहुत, मतलब इसको खेलते खेलते कब 2-3 घंटे उधर जाते हैं पता भी नहीं चलता। और इसमें ऐसे कुछ वो हैं कार्ड्स, डॉलर तो मैंने एक जगह कर लिए इकट्ठे, इनको रख दो साइड में। ये जैसे प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं ना, ये वैसी है। इसके साथ पासपोर्ट भी है और एक क्रेडिट कार्ड मिलता है साथ में। ये देखो ये पासपोर्ट है और ये क्रेडिट कार्ड, 10,000 रुपये हैं इस क्रेडिट कार्ड के अंदर इस टाइम। फेक वाले, काश असली होते। मैं बोर्ड खोल के दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या है। चलो इसको साइड में रख के बोर्ड लगाता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया अपना बोर्ड, और देखो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आता है सामने। देखो गेम होता है यहाँ से स्टार्ट, और यहाँ पे डाइस आते हैं हमारे हाथ में। डाइस थ्रो करने के बाद जो भी नंबर आता है ना, इसमें वाला सीन नहीं है लूडो वाला कि 6 आएगा तो खुलेगा, कुछ नहीं। इसमें देखो कितने हैं, 4 और 5, 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिजॉर्ट पे आ गए। अब रिजॉर्ट पे आने के बाद भी अलग सीन है भाई। इसकी जो मैनुअल है ना, वो जो मैंने अभी दिखाई थी तुम्हें, देखो ये इसमें सब कुछ लिखा है। और ये इतना लंबा गेम है भाई, ख़त्म ही नहीं होता है, चलाए जाओ चलाए जाओ, कब मतलब 4-5 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अगर मैं तुम्हें इसके सारे रूल बताऊंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बस खाली सिंपल वे में समझा देता हूँ तुम लोगों को इस गेम के बारे में। तो भाई गेम की स्टार्टिंग में पहले तो रख लेते हैं यहाँ पे ये अपने प्लेयर का स्टैचू, और उसके साथ में हमें मिलता है क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट, और साथ में मिलते हैं हमें डॉलर, कितने, $25,000 मिलते हैं। ये इस मैनुअल के अंदर लिखा है और हम लोग खेल चुके हैं, $25,000 हमें मिलते हैं साथ में इसके। और डाइस थ्रो करने के बाद जिस पे भी आ जाता है, मान लो जैसे आ गया हमारा इस पे इंग्लैंड पे, कितने लिखे हैं डॉलर, $2,500। अब हम $2,500 बैंक को देंगे
तो इस पे ना अपना घर रख देंगे ऐसे करके, ऐसे सिंपली अपना घर रख देंगे और ये हमारा हो जाएगा। और इसका जो मैंने पेपर दिखाए थे ना तुम लोगों को, देखो ये है इंग्लैंड का पेपर, अभी हमने ख़रीद लिया ठीक है। अब जो भी हमारे इस पे इंग्लैंड पे आ जाएगा उसको हमें रेंट देना पड़ेगा। किस हिसाब से? ये सब लिखा है इस पेपर के अंदर। सिंपल गेम है, और लास्ट में जिसके पास ज़्यादा पैसे और ज़्यादा घर होंगे ना वो ही गेम जीत जाएगा। अब कुछ नहीं पता गेम कब ख़त्म हो, 24 घंटे लग जाए उसमें, 25 घंटे लग जाए, कुछ नहीं पता भाई गेम कब ख़त्म होगा। तो कुछ ऐसा गेम है इंटरनेशनल बिजनेस। अब कभी खेलूँगा ना किसी के साथ घर में तब दिखाऊंगा तुम लोगों को। अभी तो फिलहाल जो था इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, अभी इसको रखते हैं साइड में, अभी दूसरा गेम दिखाता हूँ तुम लोगों को। और जिसको डिटेल में समझना हो ये इंटरनेशनल बिजनेस गेम तो कमेंट में बता देना, मैं पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा ये, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे गेम पे। चलो भाई पैक कर दिया इसको, दूसरा गेम है अपना। अब ये जो है दूसरा गेम, ये है मैग्नेटिक चेस। अब चेस का जो मैं बताऊँ, मुझे ज़्यादा चेस खेलना तो आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, मुझे किसी ने सिखाया था, दोस्त था मेरा, उसके साथ मैंने खेला था, मैं थोड़ा बहुत बताया था उन्होंने। चेस का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। मैग्नेटिक कैसे है वो भी बताता हूँ। देखो बॉक्स खोलने के बाद इसका भी कुछ ऐसी बोर्ड आता है, बोर्ड को रखो साइड में। ये हैं अपने सारे पाउंड्स चेस के। इसके अंदर क्या है, ये खाली रहता है, ये है सारे पाउंड्स। और देखो इनके नीचे ना दिख रही है मैग्नेट, इनके नीचे देखो ये मैग्नेट लग रही है, दिख रही होगी तुम लोगों को। तो ये है मैग्नेट। अब हम इसको ना इस पे लगाएंगे ना, इसके अंदर ना मेटल की शीट बिछी हुई है। अब जैसे मैं कुछ भी रखता हूँ, ये देखो आपस में चिपके हुए हैं, इसको जैसे इसके ऊपर रख दिया तो ये चिपक गया, बस मेटल की शीट पे ऐसे चिपक जाते हैं, तो इसलिए यह मैग्नेटिक चेस कुछ ऐसा है। चेस के बारे में मुझे ही नहीं पता, तो बता के भी क्या फायदा। फिलहाल कुछ ऐसा है, देखो मैग्नेटिक चेस तुम लोगों को दिखा दिया मैंने। ये दो गेम निकले जो थोड़ा बहुत खेलने स्टार्ट करे थे, मतलब थोड़ा बहुत ही खेला था। हाँ इंटरनेशनल बिजनेस खेलते थे हम, चेस मैंने मंगा के थोड़ा बहुत खेला फिर रख दिया था साइड में दोनों गेम। तो अब 2 साल बाद निकाले, देखा कितनी धूल थी इन पे।